हेलो फूडीज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल राजमा करी की रेसिपी। किडनी बीन्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर एंड आयरन। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस ऑन करने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। फॉलो माय फूड ब्लॉग्स एंड इंस्टा पेज। तो आइए बनाते हैं हेल्दी और टेस्टी राजमा करी। इसे बनाने के लिए कुकर में ऑयल हीट करेंगे, उसमें डालेंगे जीरा, जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे, इसमें डालेंगे लहसुन, प्याज, लौंग, हरी मिर्च। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को स्टर करेंगे और इसमें मसाले डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, काला नमक, जलजीरा पाउडर। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। दोस्तों, आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो इसमें लाल मिर्च पाउडर और डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। वो 3 इंग्रेडिएंट्स है हरा धनिया, हरी मिर्च और पानी। इस चटनी के कारण देखो कितना बढ़िया कलर आ रहा है सब्जी में। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से स्टर करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर को मैंने बारीक नहीं काटा, बड़े बड़े पीसेस डाले। आप भी इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। इसे भी स्टर करेंगे। राजमा को मैंने रात भर भिगो के रखा था। अब राजमा को कुकर में डालेंगे, इसका पानी भी इसके साथ डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट पेस्ट। अगर आपके पास कोकोनट पेस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पर कैश्यू पेस्ट भी डाल सकते हो या ग्राउंडनट पेस्ट भी डाल सकते हो। नमक, सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। कुकर की लिड बंद करेंगे। 2 सीटियां लगने तक इसे पकने देंगे। कुकर का प्रेशर जैसे ही रिलीज हो जाएगा इसे खोलेंगे। लेट्स गार्निश इट विद कसूरी मेथी। अगर इस टेस्टी राजमा करी की खुशबू आपको भी आ गई है तो करिए इसकी तैयारी। तो एंजॉय कीजिए इसे चपाती या पराठे या लच्छा पराठा या चावल के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस।
अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो इसमें लाल मिर्च पाउडर और डालें।